बीसलपुर में पानी की आवक रुकी, जल स्तर 310.64 आरएल मीटर पर, इनमें से भी रोज 1 सेंटीमीटर पानी सप्लाई से घट रहा है। आइए अब खबर जानते हैं विस्तार से। इस वर्ष मानसून सत्र के 3 माह बीत जाने के बाद भी बीसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश नहीं होने से बांध में पानी की आवक बहुत कम हो सकी। पेयजल आपूर्ति एवं वाष्पीकरण के चलते अब तक बांध में आए पानी में भी कमी होना शुरू हो गई है, जो प्रतिदिन लगभग 1 सेंटीमीटर कम हो रहा है। बीसलपुर बांध का जल स्तर बुधवार को 310.64 आरएल मीटर दर्ज किया गया। बीसलपुर बांध के कनिष्ठ अभियंता कमलेश कुमार मीना ने बताया कि मानसून सत्र समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन अब तक बांध के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश नहीं होने से बांध में पानी की कोई खास आवक नहीं हो पाई है। वहीं जयपुर, अजमेर, टोंक समेत जहां बांध से पेयजल आपूर्ति लगातार हो रही थी, बुधवार को बांध का जल स्तर 310.64 आरएल मीटर रह गया, जो बांध के कुल पानी का लगभग 33% पानी ही शेष है। जिले में 2 दिन से छितराई बारिश हो रही है, जिससे कई क्षेत्रों में जहां मुरझाई फसलों को जीवन दान मिल रहा है, वहीं उमस भरी गर्मी से भी लोगों को निजात मिली है। बुधवार की शाम टोंक रेनगेज क्षेत्र में 38 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि गत 24 घंटे में यानी बुधवार सुबह 8 बजे तक जिले में अधिकांश जगह बारिश दर्ज की गई है। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में चांदसेन रेनगेज क्षेत्र में 25, गलवा में 8, रामसागर लामा में 44, मानसी में 9, निवाई में 4, पनवाड़ में 5, पिपलू में 51, टिकरिया में 5, टोडा में 2, टोंक में 48 एवं टोडरी सागर में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। राजस्व विभाग के रेनगेज क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में टोंक में 47, निवाई में 4, देवली में 12, टोडा रायसिंह में 2, अलीगढ़ में 7, मालपुरा में 60, पिपलू में 30 एवं नगर फोर्ट में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले में अब तक औसतन 92% बारिश दर्ज हो चुकी है। जिले में इस बार औसतन बारिश का आंकड़ा 610.78 मिलीमीटर माना गया है। अब तक जिले में करीब 560 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है। हालांकि पिछले 22 दिनों तक बारिश नहीं आने के कारण जिले में बांधों में से 4-6% पानी कम हुआ है, लेकिन 2 दिनों से बारिश होने से कुछ राहत मिलती नजर आ गई। इस मानसून सत्र की शुरुआत 15 जून को बांध का जल स्तर 309.97 आरएल मीटर था, जो इस मानसून सत्र में बारिश के बाद अधिकतम 15 अगस्त को 310.82 आरएल मीटर तक पहुंच सकता था, जो कि 13.343 टीएमसी होता है। बीसलपुर बांध से लगातार पेयजल आपूर्ति पर बारिश नहीं होने के चलते 16 अगस्त से बांध में पानी की कमी होना शुरू हो गई थी, जो बुधवार को लगभग 18 सेंटीमीटर कम होकर 310.64 आरएल मीटर ही रह गया। बीते 24 घंटों के दौरान बांध स्थल पर 9 mm बारिश दर्ज की गई, जो बांध स्थल पर इस मानसून सत्र में अब तक 653 mm बारिश दर्ज हुई है।